कैसी हो तुम? फोटोकॉपी चाहिए क्या? हकान, आजकल तुम मुझे बहुत नजरअंदाज करते हो, आओ कुछ बातें कर लें। ठीक है फिर, बताओ क्या बात करनी है? तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो ये बताओ। बात सुनो मेरी, देखो मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता, तुम जानती हो कि मैं इलायदा से प्यार करता हूँ। और इलायदा? मेरा नहीं ख्याल। अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन्हें प्यार में कैसे खायल करना है। किसी को भी किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकती। बिला वजह कोशिश ना करो तुम, उसके मुस्कुराने की वजह ही मेरे लिए काफी है। तुम बहुत मासूम हो हैंडसम, अगर मेरी मदद हासिल नहीं करोगे तो 2 दिन के अंदर वो अपनी जिंदगी से निकाल देंगी। हाँ शबनम, शाहजान, सेविमली, क्या आपने मुझे बुलाया लायदा मैम? हाँ वो कौन सी मीठी चीज का नाम था तुम्हारा? पहली बात तो यह है, मेरा नाम शिरीन है। अच्छा ठीक है, सिद्दीका कहाँ पर है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ है ये लड़की? सिद्दीका! इलायदा साहिबा से तुम क्या बातें करते हो, मसलन उन्हें क्या क्या बताते हो? देखो इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर उन्हें कुछ खास बातें बताते हो, अगर कोई राज बताते हो तो तुम मुझे भी बता सकते हो, मैं मदद करूंगी। सिद्दीका यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ हाय, मैं अपने काम पर जाती हूँ। अब जाइए। खुशामदीद, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इलायदा साहिबा? खबरदार, जो ऑफिस में मेरे करीब आने की कोशिश भी की तुमने, मैं बहुत सीरियस हूँ उस वक्त, और तुम्हारी सिद्दीका के साथ जो कुर्बत है उसमें एहतियात बरतनी होगी। ठीक है, जैसे आपका हुक्म मैडम। हाँ शाम में मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, आ जाना। और ये आखिरी थी, और हाँ अगली दफा तक ये कवर टीम अपने अपने काम को जा सकती है। क्या खत्म हो गए मतीन? जी अम्मी, बस होने ही वाला है। क्या कहती हो बेटी, सही कहा ना? शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। ओ तो चलो फिर हम कुछ बात कर लें। आज तो निशा आंटी की तकरीर करने का दिन था, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा। चलो तुम लोग भी बाहर आ जाओ बारबो, आरजू आ जाओ। शाबाश, तो चलो अब सब गौर से सुनो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जिसने अपनी उम्मीद को खोया नहीं और तमाम मुश्किलात का सामना सीना तान कर किया, वो है हमारी चिचेकिलमास। और मेरी दूसरी मुबारक और शुक्रिया उसके लिए है जिसने मनफी सोच को दूर रखा और अपनी औलाद का साथ देता रहा है, वो है मेरा प्यारा बेटा मतीन यलमास। बहुत खूब मतीन भाई। और जिसने नहुसत और बदबख्ती को एक तरफ छोड़ दिया, मेरी बेटी के लिए जिसने इंसान बनने का फैसला किया और हमारी इस रोजी का जरिया बना, वो है बारबोस, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई, और मैं अपनी बेटियों से हमेशा खुश रही हूँ और अभी भी खुश हूँ। मेरी आरजू घर बसाने वाली है। हाँ बिल्कुल, गुल ने भी अच्छे इंसान को ढूंढ लिया है। ऐसे की बात करूं तो हमें पता चला है कि वह वकील बनने वाली है। हम शर्मिंदा भी हुए और हमें फख्र भी है। हमारे लिए उसने इतने सालों कुर्बानियां जो दी हैं, अब हम उसके लिए देंगे। ठीक है ना लड़कियों, सही कहा ना? अम्मी जान, किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। मैंने एक फैसला किया है, मैं इस साल बरी साहब की ड्राइवर बनके उनके साथ एग्जाम्स की तैयारी करूंगी इंशाल्लाह, और बाकी का कोर्स अगले साल करूंगी, ये सोचा है मैंने। क्यों मेरी जान, फौरन से कॉलेज शुरू करना बेहतर नहीं है? लेकिन आपा, इस तरह से मैं जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊंगी, तीनों कोर्सेज के इम्तिहान को एक साथ दूंगी मैं। ठीक है मेरी बहन, तुम जानती हो कि क्या बेहतर है तो ठीक है, लेकिन अब घर देर से नहीं आओगी तुम। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने कदीर गा कर सोचा, इतनी मेहनत करके मसला हल किया, लेकिन अब तुम वक्त पे घर आओगी। ठीक है जी? ठीक है अम्मी, मैं वक्त पर आ जाया करूंगी घर पे।
बड़े साहब का इंतजार करते हुए मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो। चलो अब बात करते हैं मेरी एंगेजमेंट की, अब उसके बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए। हाँ सही कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कैफे में काम करते करते खुद को वेटर समझ लूं। जैसा कि अब हमें नजर आ रहा है कदीर का बच गया है ना अम्मी, तो क्यों ना अब हम इन दोनों की मंगनी कर दें? हाँ बिल्कुल, अब किस बात का इंतजार है? क्या वाकई में अम्मी? क्या वाकई? हाँ तो बताइए ना कब करनी है, इसी वीकेंड पे कर लें, छुट्टी के दिन करेंगे। हाँ छुट्टी पे, छुट्टी पे। यस। सुनो बार्बो, क्या ये फौरन हो सकती है? कपड़े देखने हैं, दावतनामे तैयार करने हैं, और अभी तो हमें जगह भी देखनी है, बहुत सारे काम है वाकई में। कौन सी जगह बेटी, यहीं कर लेंगे ना बस, खुशी मनाने का एक साथ मजा आता है। मेहमानों को भी यहीं बुला लेंगे, खाना मैं और मतीन बना लेंगे। असल में मैंने इससे महल की बात की थी, वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, क्यों आरजू? हाँ बार्बो, तुम क्या चाहते हो मैं इस तरह की जगह पे मंगनी करूँ अपनी? एक काम करते हैं, चीचक की स्कूल वाली कैंची से ही तुम रिबन काट के काम खत्म कर देना। आरजू बात सुनो, तुम बस मंगनी कर लो एक दफा, इतनी बातें ना करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हाँ इतनी जल्दबाजी में मैं सब कुछ ये कर लूँ गुल? मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ और इसको ऐसे ही कर लूँ। ठीक है मेरी बहन, अगर तुम्हें ये जगह नहीं पसंद तो मर्जी है तुम्हारी, वैसे हमारे पास वक्त भी तो नहीं है, इतनी जल्दी हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे अच्छी जगह का? अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको जो समझ आता है, मुझे एतराज नहीं कोई, अब मुझे सिर्फ दावत दे दीजिएगा। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, इसको क्या हो गया अब मतीन, क्या इसको हमारी ये जगह पसंद नहीं? नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, दरअसल सब कुछ अचानक हो रहा है ना, तो इसलिए इतना सब कुछ कह गई, वो फिक्र मत करें आप। आप देखिएगा मैं इस जगह को और भी खूबसूरत बना दूंगा, डेकोरेशन करके सब बदल देंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलती अब। क्या करती हो आरजू तुम भी ना भाई? हाँ क्या हुआ? एक मिनट मेरी बात सुने, वो हम बाबा को क्या कहेंगे, उनको नहीं पता कि आपकी शादी होने वाली है, आप मंगनी कर रहे हैं। हाँ तो क्या करूँ मैं, उन्हें दावत दे देंगे, आना होगा तो आएंगे वरना नहीं। क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, वो अपने बेटे की मंगनी पर किसी मेहमान या पड़ोसी की तरह आएंगे? सबसे पहले आपको ये मसला हल करना होगा, फिर कुछ सोचिएगा, समझे, वरना मंगनी में बातें होंगी। अरे तो लड़की मैं क्या करूँ, तुम खुद ही बताओ, और वैसे भी कुछ नहीं होगा, छोड़ो ये सब। भाई आपको तो अपनी मंगनी की पड़ी है, उफ, मेरे अल्लाह। पापा क्या हो गया यार, इतना गुस्सा मत किया करें, हो सकता है आपकी मर्जी की जगह मिल जाए कोई। बस करो असली, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, मेरे चाहने से क्या हो जाएगा? आरजू मेरी जान, इस तरह हौसले पस्त करके बैठने से क्या होगा? हा? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है? बताओ ना बार्बो, मेरी सारी जिंदगी इस जगह पे गुजरी है, मैं कदरगाह की इन दो गलियों में जी रही हूँ बस। असली के पास भी नौकरी है, गुल भी पूरी दुकान अकेले संभालती है, और मैं यही होती हूँ। इस जिंदगी में सिर्फ दो दिन मेरे अपने होंगे, मंगनी और दूसरा शादी। मैं नहीं चाहती जहाँ हर रोज मैं मेज साफ करती हूँ वहां हो ये सब, समझ क्यों नहीं रहे हो? उठो चलो आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? जिस चीज की भी जरूरत है, जो कुछ भी करना है, जो भी चाहोगी मैं करूंगा सब, ठीक है चलो। पर बार्बो कैसे करोगे तुम ये, उधार लोगे क्या तुम? फिर सारी जिंदगी हम कर्ज उतारते रहेंगे। मेरी जान, जाकर मालूम कर लेते हैं कि कितने पैसे लगेंगे इस सब में, और फिर अपना बजट देख लेंगे हम। हाँ उदास मत हो मेरी जान। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जाए जाए जल्दी करें, क्या है कितने का है जाकर पता तो करें सब के बारे में, क्या आपसे ज्यादा कीमती है ये सब? हम मिलकर हल कर लेंगे ना। चलो तुम लोग कहते हो तो ठीक है। चलो जान हो तुम मेरी, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मैं। एसली को मैंने नहीं बताया थे, मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज हो, और वहां पहुंचने से पहले उसे मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है फिर मैं भी गुल को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं रहती, सब कह देती हैं एक दूसरे से। वैसे वो दोनों पक्की सहेलियां हैं है ना, बचपन से दोनों साथ ही पली बड़ी हैं। बिल्कुल यार, मतलब मोहब्बत करने के लिए भी हमने एक ही जगह ढूंढी, क्या बात है यार। हर चीज के लिए शुक्रिया त्यो।
अरे क्या हो गया यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया परेश। और क्या करोगे तुम? हाँ, मेरे सबसे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ रहे। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी खाला से मुलाकात हुई थी? उस दावत के बाद से नहीं मिला उनसे। हाँ मैं मिला तो था, वो मुझे लग रहा है कि वो एसली के पीछे ही पड़ गई हैं, तो सोच रहा था कि क्यों ना उन्हें बता दें कि वो चिचक की फुप्पो है। अरे नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं, अगर उन्हें पता लग गया ना तो और मुखालिफत करेंगे इस रिश्ते की। एसली को सच बता दूंगा इस खौफ से, और वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। यार आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं परेश, मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारा दिल उदास हो। अरे बात मुझे उदास करने की नहीं है यार, वो मुझे बचाने के लिए ही कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन मुझे और हकान को बचाने के लिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। मतलब तुम नहीं बताओगे कि तुम और ऐसी मोहब्बत करते हो? अरे बताना तो पड़ेगा जाहिर है, लेकिन मुझे नई परेशानियों को सामना करने से पहले कुछ दिन जहनी सुकून की भी जरूरत है। समझ गया, तुम और ऐसी थक चुके हो, थोड़ा आराम करो तुम लोग। चलो ठीक है फिर चलते हैं। ठीक है। यकता ढेर बुरा ना मानना, मैं अभी शिफ्टिंग कर रही हूँ और इतने कामों के बीच तुम्हें बुला लिया, प्लीज बुरा ना मानना। कोई बात नहीं जाहिदा साहिबा, लेकिन मुझे सही से समझ नहीं आया कि इस लड़की के लिए करना क्या है। देखो बरिश के दफ्तर में ऐसी लड़की है जो ड्राइवर है और उसके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है, और बहुत जहीन लड़की है वो। मैं चाहती हूँ कि उसका कोई भला हो जाए, अगर वो परदेश में तालीम हासिल करेगी तो उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम पैसों का बिल्कुल मत सोचना, जितनी भी जरूरत होगी वो मैं पूरा करूँगी। ठीक है, उसकी तालीम के लिहाज से देखते हैं फिर कुछ। मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दोगी तो मैं तुम्हें किसी मुनासिब स्कूल का बताऊंगी। उसको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इसका इंतजाम मैंने किया है। उसको इस तरह बता सकती हो कि जैसे उसने वजीफा हासिल किया है। मैं हल कर लूंगी। क्या कोई ऐसा शोबा है पर्टिकुलरली जो वो पढ़ना चाहती हो, या कोई ऐसा स्कूल जो उसने सोच रखा हो? तुम कह रही हो कि पहले पता लगाऊं इन सब का? ठीक है, मेरे ख्याल से वो हाई स्कूल से पास हुई हुई है, मगर मैं पता लगा लूंगी। हाँ फिर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, फिर मैं तमाम मालूमात की मुंतजर हूँ। यकता डियर, अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद तुमने मेरे लिए अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जहमत ना करो, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। उफ अम्मी क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैंगन का भरता जो तुम्हें भी बहुत पसंद। वाह। लड़कियों चलो टेबल पर खाना लगाओ। आगे अम्मी आगे, बस 2 मिनट रुके। आ गई। मतीन तुम देख रहे हो, हमारी एक और बेटी भी थी जिसे हम भूल गए थे। भाई आप क्यों चुप बैठे, कुछ तो कहे ना, अभी भी यकीन नहीं है इनको मुझ पर। ठीक है अम्मी, वो कह तो रही है आज के बाद रात के खाने पर वो यहाँ मौजूद होगी। चीचक कहाँ है, वो खाना नहीं खाएगी क्या? वो पढ़ते पढ़ते सो गई है, खाना लग जाए तो फिर मैं उठाता हूँ उसको। अस्सलामुअलैकुम। सबको सलाम। मतीन भाई इजाजत है। क्या किया तुम लोगों ने आरजू? मंगनी के लिए कोई जगह मिली तुम लोगों को? नहीं अम्मी, अब तक नहीं मिली कोई जगह। ऐसा क्या कहा मैंने? ठीक है अम्मी, छोड़े उसे, खाना लगाए। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं असली साहिबा, कुछ भी नहीं मिला। कह रहे हैं 40,000 जैसे अपने ऊपर जगह बनवानी है। कहाँ का इंसाफ है ये, 40,000 कोई कम होते हैं? इंसानियत तो मर गई है। हाँ हम हफ्ते के दरमियान में कर ले क्या, इस पर वो डिस्काउंट देंगे उन्होंने कहा। हाँ 2,000 का डिस्काउंट। ओ तो 2,000 लीरा कम है क्या, उससे हम मंगनी के बाकी काम कर लेंगे। प्लेट दो मुझे। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है ये। तुम जरा आग में तेल छिड़कने का काम कम करो, समझ में आई तुम्हारे? बहुत गलत बात है। एस्ली, मेरे पास आओ। एस्ली, जो उस दिन तुम दावत पर गई थी ना कंपनी की तरफ से, अगर तुम अपने बॉस से बात कर लो कि अगर वहां कोई ग्राउंड हो तो, यानी हम वहां कर लेते हैं एंगेजमेंट, शायद उनकी नजर में कोई जगह हो, वो हमारी मदद कर सके। इतना आगे मत बढ़ो आरजू, इसके बॉस का क्या लेना देना तुम्हारी मंगनी से? आपा, वो वैसे भी बड़े साहब की खाला का घर था, उनका बगीचा था वो। सुन लिया तुमने आरजू, सोचो जरा, इतने अमीर लोग भी अपने बगीचे में ही सब कुछ किया करते हैं, और तुम्हें हमारा कैफे पसंद नहीं।
ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। और मैं अब जाकर सो रही हूं। ये पकड़ो, सबको दे दो। अगर हम इस बारे में उससे पूछें, टीओ से, टीओ की नजर में कोई ना कोई जगह तो होगी जरूर। हाँ क्यों नहीं, हम कल पूछ लेंगे उससे। फिर वही टीओ आ गया बीच में। क्या तुम लोग टीओ में हो करते रहते हो, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। वो जगह ढूंढने के चक्कर में हमारे दरमियान फिर आ जाएगा, कहेगा कि मैंने जगह ढूंढी है मंगनी के लिए और मैं उसका मुंह हरगिज नहीं देखना चाहता। भाई बस करो, फिर से शुरू मत हो जाना। देखो बेटा, वो बुरे वक्त में हमारे साथ रहा है, भूल गए? हम बुलाएंगे उसको वरना बुरा लगेगा, है ना? मतीन भाई क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसे बुलाया हमने, फिर तो एसली के बॉस को भी बुलाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसके पूरे खानदान को ही बुला लेते हैं। देखो बारबरोस, खाना खा रहे हैं तमीज से रहो। टीओ और बॉस बराबर हैं क्या? वो आदमी यहाँ आकर तुमसे तमीज से बात करता रहा। वो बहुत मुहज़्ज़ब और अच्छा लड़का है, यहाँ फसाद ना करो। लेकिन टीओ के बॉस में ऐसी क्या बात है, आखिर वो भी हमारी तरह एक इंसान ही तो है ना। हम में और उनमें क्या फर्क है, हम सबकी तरह इंसान ही तो है ना। अगर आप मेरी बात माने तो उनको भी मंगनी में बुलाना चाहिए। फिजूल बातें मत करो गुल, उनका शुक्रिया कि उन्होंने आके मदद की और साथ दिया उन्होंने हमारा। मतलब ये है कि उसके बॉस का हमारे बीच में क्या काम है, मुझे समझ नहीं आई ये बात। अरे अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं, जैसे बड़े साहब कोई बहुत ऊंची सी फ्लाइट हो, हम में से नहीं है वो। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी बेटी, उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। हर किसी को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। देखो अगर तुम्हारी मंगनी होती तो ये हमारा फर्ज था उनको उसमें बुलाना। लेकिन बात सुनो मेरी, उनसे ये नहीं कहना कि मेरी बड़ी बहन की मंगनी है। देखो बहुत शर्मिंदा होंगे हम। मैं किसी को ये कहने नहीं दूंगी कि हमें अपनी हद का नहीं पता। मैं जाके आपा को देखकर आती हूँ और साथ में चचे को भी उठा लेती हूँ ताकि वो भूखी ना सोचे। तुमने सुना अम्मी ने क्या कहा, जैसे बड़े साहब किसी दूसरी दुनिया से हैं, है ना? मैंने सुना, लेकिन क्या होगा, यहाँ आकर तुम्हारा रिश्ता थोड़ी मांगना है। निशा आंटी को भी ना बताओ कि तुम दोनों एक साथ हो। लड़की कैसा रिश्ता, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हमें एक साथ। हम बड़े साहब की खाला को बातें सुना रहे थे और हमारे वाले कैसे निकले। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुम्हें, बस अपनी लाइफ एंजॉय करो तुम, और क्या, अपने आप को टाइम दो। देखो वैसे भी अब तुम ड्राइवर तो हो नहीं। मजाक ना करो यार, इसके अलावा कोई और रास्ता है हमारे पास मिलने का? वो सारा दिन काम करता है और मैं रातों को बाहर नहीं निकल सकती, और मुझे वैसे भी नौकरी की जरूरत है गुल। आपा की मंगनी, अभी उनकी शादी भी बाकी है यार। सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी आपा ने बात को थोड़ा बढ़ाने ही दिया। कैफे में क्या पसंद नहीं है उन्हें? तुम तो ऐसा ना कहो गुल, जब से होश संभाला है इसी दिन का ख्वाब देख रही थी वो। लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी, निकाल लूंगी मैं। क्या हुआ लड़की? बरिश, वो यहां आ गया, मेरा इंतजार कर रहा है यार बाहर। लड़की, तुम्हारी अम्मी ने तुमको रात में बाहर जाने से मना किया है। मेरी मदद करो प्लीज यार, मैं 1-2 घंटे में आ चुकी वापस, प्लीज कुछ भाई कर दो ना, कर दो ना, कर दो। अच्छा ना, ठीक है। रुको भी, मेरी बात सुनो, तुम उलझन में हो, तुम तो उलझी हुई आशिक हो। चलो कुछ सोचते हैं, अभी ये सोचते हैं कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकलना है।
शुक्रिया तुम्हारा। देखो ना, भाई भी चले गए। उनको तो गए हुए बड़ा वक्त हो गया, दादी जान ने निकाल दिया उनको। निकाह से पहले दुल्हन के घर में ज्यादा देर नहीं रुक सकते ना। हाँ, वैसे भी इस तरह निकाह भी अब इसी लाउंज में होगा, तो इसीलिए और जेवर वाली रस्म हम इस मेज पर कर लेंगे। बस भी करो अब आरजू। देखो मुझे अफसुरदा कर रही हो तुम, ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं हो। फिर मैं भी चलती हूँ, देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ गुल, तुम भी जाओ, मैं भी सोती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे यार, सुबह जल्दी उठना है। कैसे नींद आ गई तुम्हें, आज तो चिचक भी नहीं सोई, खैरियत तो है ना? भाई वो बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, मैं जाकर सोने लगी हूँ अब। चलो गुल, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ जाकर। चलिए शब बखैर, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज, शब बखैर। बेटी ख्याल से जाना अपने घर। ख्याल से जाना। लड़की बात सुनो, देर मत करना, अगर तुमने देर की तो निशा खाला हम दोनों को काट के रख देंगी। अरे लड़की मुझे परेशान मत करो, आ जाऊंगी मैं 2 घंटों में घूम फिर कर। हाँ ठीक है, जाओ अब। ठीक है। हाँ गुल, शब बखैर, सलाम देना अम्मी को। हाँ चलो। तुम्हारा आशिक होते हुए तुम्हारा इंतजार करना अच्छी चीज है। आपके लिए आना भी बहुत अच्छी चीज है। चलो आ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही खास जगह पे। ऐसे हालात में देखना था क्या? हाय, मैं इस वक्त इस कमरे में क्या करूंगी? अगर मैं सो गई तो फिर उठूंगी नहीं। याला, ये तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रही हो? ओ फारदू, क्या ऐसे कमरे में आते हैं? अगर आपा से चोरी छुपे काम करोगी तो। हाँ बिल्कुल गुल साहिबा, अब मुझे सच बताओ असली कहां गई है? उफ मेरी जान, मेरी दोस्त के पीठ पीछे मुझसे बातें मत उगलवाओ, जब आ जाए तो उससे पूछ लेना। असली, क्या तुम सो गई हो बेटी? मैं मशीन लगा रही हूँ, कोई कपड़े हैं तो दे दो। देखना अम्मी भी पकड़ लेंगी। अब गंदे कपड़े हैं तो सोने से पहले दे दो। अर्जू मैं भीख मांगती हूँ कि कुछ करो, कुछ करो खुदा के वास्ते। मुझे कुछ पता होगा तो करूंगी ना। अम्मी आ रही है, अब तुम खुद ही उन्हें सब कुछ बता दो, ठीक है? एसली बेटी, क्या हुआ बताओ ना, फिर बाद में कहोगी अम्मी मेरे कपड़े भी धो देती। ओ फर्जू, वो अपने महबूब के पास गई है। देखो तुम जवाब नहीं दे रही हो, इतनी जल्दी कौन सोता है? अम्मी क्यों शोर कर रही हैं आप, सो रही है वो? अरे 2 मिनट में कोई सोता है? क्या करतूत कर रही हो तुम लोग बताओ मुझे। अम्मी बस करें, क्या बोल रही हैं आप, ये इतने से घर में हम कौन से करतूत करेंगे? कसम से, चले आए हम चलते हैं, चाय बनाते हैं अपने लिए। चले अम्मी, सोने दें उसको। ठीक है आओ चले। तो क्या तोहफा लिया तुमने चाची के लिए? किताब, जासूसों वाली किताबें ली है मैंने। अफाजान बेशलार मेरी पसंदीदा सीरीज थी, मैंने वही खरीदी है। यानी उसे भी एजेंट बनाना चाहती हो तुम? हाँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसका अपना शौक है। ये तो मुझ पर गई है शायद। आपने सारा दिन कोर्ट में क्या किया?
प्रोसिक्यूटर साहिबा से मिला और क्या? प्रोसिक्यूटर साहिबा? इंशाल्लाह मुझे भी सब ऐसे ही पुकारेंगे। बस करो एस्ली, ये बात ना करो तो अच्छा है, फजूल मुझे गुस्सा दिलाओगी तुम। जब तक साबित नहीं कर देती कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे, वकील साहिबा ही रहो तो अच्छा है। हाँ ठीक है। क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? हाँ ना, मैं क्या करूँ, आप मुझे जितना मना करते हैं मेरा उतना ही प्रोसिक्यूटर बनने को दिल करता है। शायद मैं भी जानबूझकर मना कर रहा हूँ। यानी आप चाहते हैं कि मैं प्रोसिक्यूटर बनूं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं चाहता हूं कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो। अगर वो ख्वाब प्रोसिक्यूटर बनना है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं करूंगा, फिक्र मत करो। हम ये कहां जा रहे हैं? उस जगह जो हमें पसंद है। हमें पसंद है? क्या मतलब, हमें पसंद है कोई जगह? हमारी पसंद की जगह, यानी कि हमारी, जिसको हम दोनों पसंद करते हैं, वो जगह, हमारी जगह। क्या मुसीबत है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, जा सकती हो आप नहीं चलेंगी, मैं आपका इंतजार कर लेती हूँ। तुम जा सकती हो सिद्दीका, मुझे अभी बहुत काम करना है। ठीक है। क्या ये पिज्जा खाएंगी? ये औरत पागल हो चुकी है। मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है, आपको अंदर किसने आने दिया? मुझे लगा शायद तुम्हें भूख लगी हो। हाकान ने किस तरह की ड्रेसिंग की है? ऑफिस में किसी की भी तवज्जो हम पे ना आए, इसलिए मैंने ये हुलिया बना लिया। मेरे ख्याल से तुमने इससे ज्यादा तवज्जो हासिल की है। पिज्जा? हकान ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नहीं खाती मैं। ये क्या है? ये सैलेड है, तुमने कहा था ना कि रात में काम है, इसलिए मैंने सोचा खाना लेते आऊं। मुझे मालूम था कि तुम काम में इतनी बिजी होगी कि खाना नहीं खाया होगा। हाकान, देखो इन सब चीजों का ख्याल करने के लिए मैंने पहले ही असिस्टेंट हायर की हुई है। अब तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। जी कहिए इलायदा साहिबा, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ आपकी बात, किस बारे में बात करनी है? देखो हकान, तुमने जो कुछ बताया मैं सोच रही हूँ। उस बच्चे के बारे में? देखो, इस जुर्म के साथ ना तो मैं रह सकती हूँ ना तो तुम रह सकते हो, और मेरी जगह कोई भी होता तो उसका किसी मुजरिम के साथ ताल्लुक बनाना मुश्किल होता। इस वजह से हम तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिलवाएंगे। अगर मुझे कोई चीज बचाने वाली होती तो बरीश भाई बचा चुके होते। जो काम भाई से नहीं हुआ वो तुम कैसे करोगी? मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ अकान। देखो, बरिश सब कुछ उसूलों के मुताबिक करता है, लेकिन मैं कभी कभी उसूलों को भी तोड़ देती हूँ। फिर तो इस राज को छुपाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, सही कहा ना मैंने? यही तो कह रही हूँ मैं, जेल जाने से भी बच जाओगे और तुम्हारी खाला भी उदास नहीं होगी। बहुत खूब, ठीक है तो चलो बताओ फिर क्या करना है हमें। देखो, तुम मुझे इस वाक्य को तफसील से बताओ ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि क्या करना है। क्या हमारे लिए बुक की है ये जगह? हाँ ना, इसे ज्यादा सुकून हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही है, जादुई सी।
जादुई ही है। चलो आ जाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये फूल वैसे जिंदगी के लुत्फ और ताजगी को बयान कर रहा है। इसके नाम की बुनियाद सांस और हवा पर मबनी है। वाकई बहुत अच्छी खुशबू है। खूबसूरत है, अभी खिल रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप एक शजर की मानंद हैं। यानी जानते हैं, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मतलब मुझे मेरी जिंदगी का मतलब समझ में आ गया है। जैसे कि जंगल की गहराइयों में एक दरख्त होता है ना, और बाकियों के साथ होता है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि वो सबसे मुख्तलिफ है। उसके अंदर एक अलग दुनिया समाई होती है। उसकी शाखें ऐसे जैसे लामहदूद हों, परिंदों और गिलहरियों का घर बन चुका होता है वो, जिसके साए तले तुम आराम कर सको। बाहर से बहुत पुरएतमाद, लेकिन उसकी जड़ों का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। एक पेचीदा दरख्त, तुम ऐसे हो मेरे लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। फूलों के नाम आज दरख्तों के लिए। जैसे ही मुझे याद आया, मैंने अम्मी को बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी, बात ही नहीं सुनी मेरी। मैं बता नहीं सकता एयरपोर्ट पहुंचने तक मेरी क्या हालत थी। तुम लोग तो अमेरिका जा रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, मेरी खाला के पास, बल्कि अम्मी तो अभी भी वहीं हैं। आह शुक्र है खुदा का। यानी तुम गलत मत समझना, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जानते हो ना, हमारी आपस में बनती नहीं ज्यादा। अब अगर वो यहाँ होती तो लाजमी कोई मसला खड़ा करती। हाँ तुम कुछ बता रहे थे, फिर क्या हुआ? मैं जहाज तक गया तो था, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। आखिरी वक्त में अम्मी को जहाज में छोड़कर मैं घर आ गया। मैं खुद सबको सच बताने वाला था, लेकिन घर आया तो खाला और परेश भाई को पहले ही पता चल चुका था। उनको कैसे पता चली ये बात? उन्होंने नीली परी को ढूंढ लिया था। नीली परी? वो कौन है? नीली परी नाइट क्लब में लोगों के मशरूबात में दवा मिलाकर जब बेहोश हो जाते हैं तो चोरी करती है। हादसे वाली रात उसने मेरे भी पैसे चुराए थे। उसकी दी हुई दवा की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे लगता था कि एक्सीडेंट उसी ने किया है। जब भाई को वो नीली परी मिली तो उन्हें सब सच पता चल गया। हाँ सही है, मगर अगर वो मामूली सी चोरनी है तो उसको कैसे पता कि हादसा तुमने किया? क्या वो तुम्हारे साथ गाड़ी में थी? नहीं, ऐसी कोई भी बात याद नहीं है मुझे, मैं अकेला था। ये नीली परी है कौन? तुम उसको जानते हो? उसका पेशावर नाम क्या है और उसका असल नाम बताओ। शायद ट्यूब भाई ने मारवा यिल्दिस ऐसे कुछ नाम बताया था। ठीक है, चलो अब तुम घर जा सकते हो, मुझे कुछ काम है, मैं वो शुरू करूंगी। मैं इंतजार कर लेता हूँ तुम्हारा। काम खत्म होगा तो घर छोड़ दूंगा तुम्हें। जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो क्या हम कल मिलें? अगर तुम चाहो तो। सिदिका बात सुनो मेरी, मरवा यिल्डिस नामी एक चोरनी है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर मेरी मेज पर रख देना सुबह। अच्छा ठीक है, उस रात में यहां पर आई थी ना, आपके पास बैठ गई थी, उस दिन मुझे देखकर आपके जहन में क्या बात आई थी? मैंने कहा ये पागल लड़की है और क्या। अब ऐसा भी नहीं है। हाँ ना, बस यही सोचा था। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब सी सोचें थी। उस दिन मैं यहां बैठकर
सोग मनाने का सोच रहा था, फिर अचानक मैंने देखा तुम आग बगोला होकर वहां सामने खड़ी हुई थी, बहुत गुस्से में। मुझ पर गुस्सा थी और मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाली थी। मैं कुछ बुरा करने नहीं आई थी यहां पर। अच्छा ठीक है, इसलिए आई थी, लेकिन मैं सही थी, यानी आपने मुझे बहुत बुरी सिचुएशन में डाल दिया था। हाँ तुम सही कह रही हो, यानी जो तुम सोच रही थी वैसा नहीं था, लेकिन तुम सही थी अपनी जगह, जाहिर है। अच्छा रुको, जरा बताता हूं। तुम्हारी आंखों से आग बरस रही थी और तुम सीधी मेरे पास चली आई, और तुम यकीन करो इतने गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। और हाँ, आशिक भी। आप उस रात को किसका शोक मना रहे थे बरिश? आपको जकड़ लेने वाली ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना उलझा के रख दिया है? हम ये बातें करने नहीं आए हैं। लेकिन किस लिए? मुझे तो लगा इन बातों को करने के लिए इससे बेहतर और कोई रात नहीं होगी। अब जब हम फिर से एक दूसरे के साथ हैं तो क्या हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है बड़े साहब? जब हम यहां पहली दफा आए थे हम बॉस और ड्राइवर थे, अब बरिश और एसली है और आशिक है। मुझे उसकी बहुत फिक्र है जिससे मुझे इश्क है। उस रात वो यहां क्यों आया मैं जानना चाहती हूं। उसको जो तकलीफ थी वो जानना चाहती हूं। आपकी पूरी जिंदगी को जानना चाहती हूं मैं बरिश। अच्छा ठीक है, मैंने इरादा बदल लिया, आज रात हम ये बातें नहीं करेंगे, छोड़ने से। कोई और बात करते हैं फिर, मसलन प्राइमरी स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? लाजमी तौर पर अपना काम सबसे अच्छा करने वाले स्टूडेंट होंगे आप। आपने कभी डांट नहीं खाई होगी, कभी भी कुछ बुरा नहीं किया होगा आपने, मुझे यकीन है। बड़ों के बहुत पसंदीदा और छोटों के भी बहुत अजीज थे ना आप। शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? मुझे समझने के लिए। अच्छा प्लीज मुझे बताए ना। तुम मुस्तकबिल में इस बात को मेरे खिलाफ यूज करोगे? मैं वादा करती हूँ कि नहीं इस्तेमाल करूंगी, सच कह रही हूँ मैं। और वैसे भी बहुत पुरानी हो चुकी है वो बात, सब कुछ गुजर चुका है। वो तो प्राइमरी स्कूल की बात थी ना। यानी तुम्हारा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में था, इसका मतलब? हरगिज नहीं, और यहाँ हम आपके पहले प्यार की बात कर रहे हैं। ठीक है बताता हूँ, बात खत्म करते हैं। मेरा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में नहीं था। बहुत मुश्किल थी लड़की, बहुत दुश्वारी हुई। कैसी मुश्किल, क्या किया था उसने? उसने मुझे देखा तक नहीं। उसे मुतासिर करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसका जुर्म भी अपने सर लिया। कौन सा जुर्म? मैं समझी नहीं। आपकी मवक्किला? नहीं वो नहीं, उसने मुझे इजाजत भी नहीं दी अपने दिफा की। वो जिंदगी में अपने पांव पे खड़ी रहती थी। हाँ मगर उसका जुर्म क्या था? आपको एक मुजरिम से मोहब्बत हो गई थी? हाँ बदकिस्मती से
उसने प्लेडो एक परिंदे को खिलाने की कोशिश की थी। ऐसे ही असली। हाँ ना, सही कह रहा हूँ। और जब मैंने टीचर से कहा कि ये मैंने किया है, तो ब्रेक में उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो इतनी देर से आप मुझे केजी की कहानियां सुना रहे थे। हाँ ना, तुम्हें क्या लगा? और मैं यहाँ पर एक दर्दनाक मोहब्बत की कहानी का इंतजार कर रही थी। जानकर किया ना ये सब आपने। जरा रुके, मैं भी आपको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ। नहीं रुको, नहीं सुनने छोड़ दो। अरे किस लिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी छुपाना रहे, सब बता दूंगी।